तो हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। ये बिल्कुल हाल ही में प्लान बना है। संचित भाई आए थे तो संचित भाई बोलने लगे कि चलो यार, अच्छा लोकेशन है मनसा देवी मंदिर, जो कि पथरिया में है। पथरिया दमोह जिला जिला पथरिया पथरिया में है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर से हमारा दोस्त अज्जू और आ जाए, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और संचित भाई ने बैग पैक कर लिया है, तो हम लोग चलते हैं। एक कैमरा हमारा ये रखा है, ये हमारा ड्रोन रखा है, उसको भी ले जाएंगे और आपको वहाँ का नज़ारा, वहाँ के शॉट दिखाते हैं। मिलते हैं गाइस। A few moments later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली मनसा देवी मंदिर, और हमें हमारे साथ हमारे अनिल भाई हैं, जो कि सागर से आए हैं सिर्फ हमारे लिए घूमने के लिए। और हमारे अजय भाई भी ढाना से आए हैं, और ये हमारे संचित भाई, क्योंकि ये भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। तो गाइस भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, इनकी ये चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और अब चलते हैं इसके बाद हम मंदिर के अंदर। तो ये सामने दिख रहा हूँ मंदिर, और अभी थोड़ी देर बाद जंगल दिखाएंगे। जंगल यहाँ का बहुत ही फेमस और बहुत ही घना जंगल है, जो कि और सुनने में आता है कि बहुत सारे जानवर रहते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस ये मंदिर है, पूरा बहुत ही बड़ा मंदिर है। 3 मंजिला मंदिर है। ये मंदिर का व्यू है, और इस ओर बहुत ही घना जंगल है। पूरे जंगल में अंधेरा लगा हुआ है, तो अभी हम जंगल के अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो और ये अजय भाई जो कि देख रहे हैं जंगल में कुछ कर रहे हैं, और एक एक को और हम दिखाते हैं क्या कर रहा है वो। तो ये अनिल भाई और हम लोग। अनिल कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत का बढ़िया, नज़ारा बहुत बहुत शानदार सुंदर नज़ारा मंजर है। है। और गाइस हम बस आपको थोड़ी धूप है। एक मस्जिद दिखाते हैं, जो कि संचित है वो क्या कर रहा है। तो देख सकते हो संचित क्या कर रहा है, पानी पी रहा है टंकी में से। संचित कैसा लगा? कैसा लगा मेरा मजाक? ये मंदिर का फ्रंट का व्यू है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर है। और गाइस हमने जैसा आपसे कहा था कि हम आपको शेर दिखाएंगे जंगल में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देख सकते हो ये शेर हैं सामने, और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो ये रही हमारी माता जी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। और तो ये गाइस राधा कृष्ण का मंदिर है, यहीं पर है, जो कि देख सकते हो आप। यहाँ राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। राधा और कृष्ण जो कि हाथ में मुरली लिए हुए हैं। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये है यज्ञशाला। यहाँ पर यज्ञ संपन्न होते हैं, यज्ञ वगैरह के कार्य संपन्न होते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर घूम लिया है, और ये अनिल भाई, संचित भाई, अज्जू भाई, तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया मस्त लग रहा है, बहुत अच्छी और लोकेशन यहाँ है। का जो कि नज़ारा है, और जो नेचुरलिटी मिलती है हमारे लिए देखने को, ऊपर के बादल और मस्त लग रहे हैं। बादल आप देख सकते हो, एकदम ब्लू ब्लू बादल दिख रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे गाइस, गाइस ये लोग घूम रहे हैं। अनिल भाई कैमरे का बैग टांगे हुए हैं, और मैं ड्रोन लिए हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और गाइस पीछे जंगल है, तो चलो हम आपको जंगल दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे लिए ये हनुमान जी मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं जंगल की साइड, और यहाँ पर ये संचित और अनिल लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है गाइस यहाँ पे। तो ये लोग छाए में बैठ गए हैं, और देख सकते हो आप पीछे कितना घना जंगल दिख रहा है। बहुत ही घना जंगल है, और इस जंगल में बिल्कुल अंधेरा है। मतलब यहाँ का जंगल बहुत ही फेमस जंगल है गाइस। और अभी हम दिखाएंगे, यहाँ पर पेड़ बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं, और उनकी अपनी खुद की एक कहानी है उन पेड़ों की। तो उनको भी हम आपको दिखाएंगे चल के। तो गाइस देख सकते हो ये कैमरे को देख रहा है, और ये अभी कैमरा चलाते नहीं बनता है। तो ये देख कैसे फोटो खींच रहा है।
देख सकते हो हम लोग आ गए हैं जंगल के अंदर और यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है और बहुत ही ठंडक है जंगल में। बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही अंधेरा भी। हम जंगल के अंदर हमें रुक रखा है, ऊपर जो कि चौकीदार होते हैं, गार्ड होते हैं, उनने हमें बिल्कुल मना किया है, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती करके हम अंदर आए हुए हैं। लेकिन उनने हमें सिर्फ 200 मीटर का ही अनुमति दी है, 200 मीटर तक ही हम जा सकते हैं, इसके आगे उनने हमें बिल्कुल रुकने को कहा है। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही घना और बहुत ही खतरनाक जंगल है और इस जंगल की खुद की एक कहानी है गाइस। यहाँ पर हर एक पेड़ है जो माना जाता है यहाँ पे कि जो पेड़ हैं वो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद आपस में चिपकते हैं। तो गाइस अभी तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन सुनने को आया है। यार दिखाते हैं हम आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है हमें। देख सकते हो गाइस आप, पेड़ एकदम टेढ़े मेढ़े पेड़ हैंगे,